नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। भारत और चीन के बीच हुई वार्ता में अहम फैसला, दोनों देशों ने देपसांग और डेमचोक से सेनाएं पीछे हटाने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने एलएसी पर सेनाओं के गश्त में एक बार फिर शुरू करने पर भी जताई सहमति। इस घटना के बाद मोदी और जिनपिंग के बीच बैठक होने की पूरी संभावना। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने गगनगीर में हुए आतंकवादी हमले को लेकर साधा पाकिस्तान पर निशाना, कहा कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा, भारत से दोस्ती चाहते हो तो यह सब बंद करो। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूसी शहर कजान से जाने से पहले विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा हम ब्रिक्स को बहुत महत्व देते हैं और भारत ब्रिक्स के लिए बहुत महत्व रखता है। पराली जलाने को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन, पुलिस ने 14 किसानों को किया गिरफ्तार, बाद में सभी को जमानत पर छोड़ दिया गया था। लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को भरेंगी नामांकन, कांग्रेस ने केरल की वायनाड सीट से बनाया है उम्मीदवार। नामांकन के दौरान सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर के नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कश्मीरी भाषा में ली विधानसभा सदस्यता की शपथ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिया बड़गाम सीट से इस्तीफा, गांधरबल सीट से रहेंगे विधायक, विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर चुने गए थे अब्दुल्ला। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सपा नेता रामगोपाल यादव ने दी सफाई, कहा एक्सीलेंट आदमी है न्यायमूर्ति चंद्रचूड़। महाराष्ट्र पुलिस ने बताया राज्य के गढ़चिरौली जिले के पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। मुंबई की एक अदालत ने बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में 4 आरोपियों की पुलिस हिरासत 25 अक्टूबर तक बढ़ाई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दायर मानहानि केस में राहत देने से इनकार कर दिया, सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा केजरीवाल को इस मामले में पश्चाताप है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में नया ट्विस्ट, पुलिस को संदेह है कि इस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की भूमिका नहीं है, लॉरेंस फिलहाल साबरमती जेल में बंद है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना यूपीटी और कांग्रेस के बीच कुछ सीटों को लेकर तकरार, ट्राइडेंट होटल में 10 घंटे की मैराथन बैठक के बावजूद नहीं मिला कोई समाधान, उद्धव ठाकरे गुट के नेता कांग्रेस के दिल्ली नेताओं के संपर्क में। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में करवा चौथ की रात कहा सुनने के बाद पति पत्नी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, पति देर से घर लौटा तो नाराज पत्नी ने ट्रेन के सामने खुदकुशी की, सदमे में पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अयोध्या से करवा चौथ मनाने के लिए ससुराल जा रही महिला सिपाही से कानपुर में रेप, आरोपी ने अंधेरे का फायदा उठाकर खेत में ले गया, कपड़े फाड़कर की दरिंदगी, चीना जप्टी में कांस्टेबल का टूटा दांत, पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र उर्फ कल्लू को किया गिरफ्तार। सलमान खान को धमकी देने वाला शख्स ने मांगी माफी, पुलिस को इस मैसेज करने वाले शख्स की लोकेशन झारखंड में मिली है, धमकी देने वाले शख्स ने मैसेज में लिखा था 5 करोड़ नहीं दिए तो बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा संतों साधु और अन्य धार्मिक नेताओं पर हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में अस्थायी आश्रम बनाने की अनुमति दी जाएगी, उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ का होगा आयोजन। विदेशी संस्थागत निवेशकों की निकासी के बीच शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 73 अंक गिरकर 81,151 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी भी 73 अंक के नुकसान के साथ 24,781 अंक पर हुआ बंद। गदर 2 की सफलता के बाद अनिल शर्मा ले आ रहे हैं फिल्म वनवास, 20 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म, नाना पाटेकर और उत्कर्ष शर्मा आएंगे लीड रोल में नजर। हुमबले फिल्म की बघीरा का ट्रेलर हुआ रिलीज, शानदार बीएफएक्स और दिलचस्प कहानी से भरपूर है ट्रेलर, एक्टर श्रीमुरली आएंगे लीड रोल में नजर, 31 अक्टूबर को रिलीज होगी यह फिल्म। ये थी आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वक्त दुनिया पर।